ऐसी बातें करें कि हम देर से पहुंचे, तो इसमें हमें होशियार रहना है। यानी मैं बहुत ही एहतियात से गुफ्तगू कर रहा हूं,
कि फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं। यानी हम क्यों ताखिर होने दें, जब करबला बरपा हुई हो तो जब इमाम खाने काबा के तवाफ को रोज़े तरावे पर, यानी उस वक्त पे कि जब लोग मना, अरफा और ये सब मराज़े के हज को अंजाम दे रहे हों, इमाम ने एहराम तोड़ दिया, छोड़ दिया और इमाम निकल पड़े, इमाम निकल पड़े। अब क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कहाँ जाएं लोग, लोग कहाँ जाएं? लोग हज करते रहे, मक्का के गिर्द तवाफ करते रहे, और ये काबा का फर्जंद, यही तो दिखाना चाह रहे थे कि इमाम, कि महबर इमाम है, खाना काबा के सामने से गुजर रहा है, जा रहा है, इसके पीछे जाओ, वहां क्या कर रहे हो, कौन सी इबादत होगी, जो इमाम फरमा रहे हैं वो करो। लेकिन ये तो हम तारीखी वाक्या सुनते हैं, गुजर जाते हैं, बस ठीक है, हुआ होगा। वो लोग थे, हम थोड़ी थे, वो थे, हम खुद होते तो क्या करते। 1400 साल बाद हक्कानियत खुल चुकी है, पहले इतनी खुली भी नहीं थी। अज़ीज़ाने मोहतरम, आसान नहीं था। बड़े बड़े लोग जिन्होंने खवास थे, जानते थे, सारे मामला जानते थे, नहीं आए, अपने अंदर हस्तियां थे, अपने अंदर शनाख्त थे, नहीं दर्द कर पाए कि ये मामला क्या हो रहा है, नहीं पहचान पाए। और उसी का नतीजा आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आज तक लोग गाफिल हैं, नहीं पहचानते। देखिए, दो तरह की इस्तकबारियत है, एक इबलीस ने की, यानी खुदा का इनकार किया, खुदा ने अमर दिया, कहा नहीं करूंगा, यानी इबलीस ने इस्तकबारियत की, दुश्मनी खुदा के अमर से दिखाई। लेकिन दूसरी मिसाल के तौर पर अगर कोई मोमिन गलती करे या गुनाह करे, तो क्या उसका भी गुनाह वैसे ही जैसे इबलीस का था? नहीं, मोमिन इसलिए गुनाह नहीं करता कि वो खुदा के मुकाबले में आके करता है, वो गफलत की वजह से करता है, वो भूल जाता है, वो मौकतन लज्जत का शिकार हो जाता है, ऐसा नहीं करता कि खुदा के मुकाबले आगे करता है। दोनों के अमल में बड़ा फर्क है। लेकिन अगर लोग जानते हुए बुक्स करें, पहचानते हुए बुक्स करें, तो आप क्या कहेंगे उसको? यही था ना, वहां पे लोग जानते थे, चले वो नहीं जानते थे, आज तो दुनिया जानती है, मगर आज भी अगर कोई ये गलती करे, फिर आप क्या कहें उसके साथ, कैसे गुफ्तगू करें? सौदा कर लें। सैयदुल शुहदा ने जो कुर्बानी दी थी उसको सौदा कर लें, मान लें आप यजीद को, एहतराम करें, कैसे करेंगे आप? आज ये कह रहे हैं, फिर कुछ और करवाएंगे। तो वाज़े हो, हमने कहाँ जाना है, हमने किस तरफ बढ़ना है, अज़ीज़ान वाज़े करें। खूब शख्स आया इमाम जाफर सादिक़ अलैहि सलाम, कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब कीमत हर दौर में हर शख्स की अलग, उसे इम्तिहान देना है,
ये है ही इम्तिहानात की जगह, इब्तलात की जगह। अगर इतनी आसान नॉर्मली बगैर कुछ किए गुजर जाता तो अंबिया इतनी मेहनत ना करते, अंबिया को इतनी मुश्किलात ना होती, आइमा को इतनी तकलीफें ना उठानी पड़ती। दो खिलकतें हैं ना, मैंने आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज किया, एक खिलकत नूरी है, एक खिलकत बशरी है। जब तक इमाम बशरियत के लिबादे में ना उतरे, जब तक वो इंसानियत को इस इम्तिहानात से निकाल नहीं सकता, खुदा थोड़ी सी मुश्किल बात हो गई, थोड़ी सी आदत नहीं है, थोड़ी सी भारी बातें सुनेगी। देखिए जाने बहुत रहा, खिलकत नूरी वो उस आलम में कि जिसने सबको तजल्ली किया हुआ है, बहिश्त भी जो जन्नत है वो उसी नूर की तजल्ली है। बहिश्त के भी मकामात हैं, बहिश्त जन्नत क्या है, हमें जन्नत क्या है, जन्नत कैसी होगी, जन्नत में लोग कैसे होंगे, बहरहाल कुरान है, ये होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है, 51 आयात या 50 आयात आप रोज़ पढ़ें तो ये भी आयतें आ ही जाएंगी, जन्नत कैसी है, जन्नत में लोग कैसे होते हैं, इंशाल्लाह तर्जुमे के साथ आप पढ़ते रहें, अगले साल तक कुरान ख़त्म करें, आपको ख़ुद फ़र्क महसूस होगा अपने और अपने बारे में कि मैं कहाँ था, कुरान क्या है। दीन को वहीं से लेना जहाँ उतरा था, दीन को ना ले, ओ बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात करता है, कहाँ से सीख के आया है, कहाँ से करता है, स्ट्रक्चर क्या है उसका। लोग कहते हैं खाम खाम मौलाना ये ऐतराज़ करते हैं इस पे उस पे, भाई क्यों ऐतराज़, हमारी हमें क्या किसी से ऐतराज़ करना, हमें कोई मतलब थोड़ी, मसला ये कि हम दीन के तालिबे इल्म हैं, ठीक है, इमाम के सरबाज़ हैं, ये हमारी पहली जो आके हमें जो डेजिग्नेशन मिलता है ना, चाहे हमारा अमल खुदा ना खास्ता अच्छा भी ना हो, मिलता यही है कि ये इमाम ज़माना का सरबाज है। अब वो जो तालिबे इल्म है, दीनी तालिबे इल्म है, इमाम का सरबाज है, उसका पहला वजीफा क्या है कि दीन की तबलीग करो और जो दीन को ख़राब कर रहा हो उसे रोको, नहीं नहीं रोको, कुछ नहीं कहो, क्यों क्यों क्यों, अमर बिल मारूफ है, क्यों नहीं अज मुनकर है, वो अहकाम में से है ना भाई, वो बुराई अच्छाई की तारीफ करो, तबलीग करो, इसको बोलो अच्छा काम करें, अच्छा काम करें, को बुरा काम कर रहा हो क्या बोलो रोको, भैया तो अहकाम में ना हो गए आपके, मगर हमें अहकाम में सिर्फ तबर्री याद आया, बाकी याद ही नहीं आती हम लोगों को, भाई तवल्ला भी तो है, तवल्ला है, तबर्रा है, और तबर्रा का भी वो तरीका है जो आयमा ने बताया है, घर से थोड़ी बोला था लेकर आओ, लान के मायने खुदा से कि खुदा लानत भेज, क्या मतलब, खुदा इसे अपनी रहमत से दूर कर, अब जो खुदा की रहमत से दूर हो वो कहां होगा, सब और शितम मनाए, क्या मतलब, गाली गलौज बुरे लफ्ज यूज करना मना है, कुरान भी यही कहता है, रसूल भी यही कहते हैं, मौला कायनात भी यही कह रहे हैं। अपनी जंग में इमाम ने अपने सहाबियों को यह कहा कि फलानी फौज को सबो शितम नहीं करो, यानी क्या, गलत अल्फाज ना इस्तेमाल करो, यही नहीं कहा कि लान नहीं करो, कुरान लानत भेज रहा है लेकिन तरीके से भेज रहा है, अगर आप गलत किसी के, कुरान ये कह रहा है, दीन ये कह रहा है, तुम दूसरे के खुदा को बुरा कहोगे वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेगा, ये नहीं था कि लहनत नहीं भेजो, सब और शितम मना किया, हमारे लिए मफहूम क्लियर ही नहीं है असल में, क्यों, क्योंकि तालिब इल्म से ले तो क्लियर हो, पहले पता नहीं कौन क्या था, डाकिया था, क्या था, कहां था, कैसे था, आया बैठा, अरे वाह, ये नहीं पता पीछे पैसा किसका लगा हुआ है, ये नहीं पता कि कौन स्टेज दे रहा है, नहीं अभी मुश्किल है, मेरी तो कल आखिरी मजलिस है, मैं तो चले जाना कराची से, आपने संभालना हमको दी, ठीक है, मुझे तो आखिरी में झटके देने होते हैं वैसे भी हर साल जाने से पहले, तो कौन बताएगा, नहीं इसको भी पढ़ाओ उसको भी पढ़ाओ, भाई कहां का पढ़ा हुआ है,
हो उनको आज तक, मजाक चुटकले, इसके लिए इमाम हुसैन ने अपने लिए अकबर को कुर्बान किया था। मजा नहीं आता मौलाना, मजे लेते आते हैं। चक्कियां पीस पीस पर हजरत सलमान फारसी कहते हैं, मैं गुजरा मैंने देखा एक हाथ में हुसैन एक हाथ में चक्कियां पीसकर जख्म आ गए, कहीं यार रसूलुल्लाह एक ही बेटी है। कहा फातिमा ने दुनिया को फौकियत नहीं दी, उसके नजदीक दुनिया की कोई कीमत नहीं। आए घर में देखा सैयदा परेशान है चेहरे का रंग, कहा बेटी क्या हुआ? कहा बाबा आखिरत का मंजर परेशान कर रहा है। क्यों? कहा बाबा सब उड़िया होंगे, हजरत जिब्राइल आ गए। कहा रसूल से, या रसूल अल्लाह फातिमा को खुदा का सलाम दे और कहें कि परेशान ना हो, हम इनके चाहने वालों को नूर के होलों में सफर करवाएंगे। क्या मतलब? वो कितने परेशान हैं और हमने क्या किया दीन के साथ? जब तक खुद शऊर नहीं आएगा कैसे आप करेंगे? कब तक दीन का मजाक उड़ेगा? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई फिरका हो, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। सबको अलग किस्म का टॉनिक दिया गया है ताकि असल इस्लाम से दूर हो जाओ। जब आप असल इस्लाम से दूर करेंगे तो बच्चे कहां जाएंगे? ये बोलेंगे भाई ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए, ये कोई ये कैसा मजाक है। आप यूट्यूब पे खोल के देख लें, चीजें खोल के देख लें, लोग क्या कहते हैं? भाई ऐसा दीन नहीं चाहिए, हम सेकुलर ही अच्छे हैं, हम ऐसे ही ठीक हैं। यही तो लाना था दुश्मन ने आपको कि जवान दीन से तंग आ जाए। अजीब अजीब सी शक्लें, अजीब अजीब सी बिद्दतें, अजीब अजीब सी हालतें जब दीन में देखे, कोई भी अकलमंद आदमी बोलेगा भाई ये दीन नहीं चाहिए। क्यों? रोनेसांस में 16वीं सदी के अंदर मसीहत को दीन से सियासत से जुदा किया गया। क्या किया मसीहत ने? सब कुछ जो है वो चर्च के कंट्रोल में। क्या कर रहे हैं? जरा सी कोई गलती का इसको छलांग मारो, इसको मारो, इसको ये करो, इसको वो करो। उसकी हालत ऐसी कर दी क्रिश्चियनिटी की कि लोगों ने बोला भाई ऐसा दीन नहीं चाहिए, हटाओ इसको, हटाओ, दीन अलग सियासत अलग। क्या किया? संडे का दिन सिर्फ इतवार को चर्च जाना है, बाकी दिन जो दिल जाए करो। ले आए ना पूरी दुनिया को, अगर अच्छी खासी दुनिया क्रिश्चियन है तो दीन कहां है? मगर मसीहत मगर दीन नहीं है, खुदा की तरफ से आया हुआ। बेशक तहरीफात हो गई मगर दीन तो है। मगर क्या वहां नशा हलाल है? चोरी हलाल है? हराम काम हलाल है? सब हराम है वहां पे भी, मगर कहां ले आया पूरी दुनिया को? अब सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कहा इस्लाम। तो क्या करें? कहा इनकी शक्लें बिगाड़ो, अजीब अजीब सी शक्लें बनाओ इनकी सबकी, और फिर इनको बिठाओ, तोड़ो इन्हें इनके बेस से, तोड़ो। तोड़ दिया। मेन जो जगह है मुसलमानों की वो क्या है? काबा। सबसे बड़ा कौन होगा? इमाम काबा। इमाम काबा ने जुम्मे को क्या बोला? अभी इसराइल से ताल्लुकात। तो बाकी मुसलमान क्या करें? सो जाओ, कोई बात नहीं करे आगे। सख्त है जाने मोहतरम। इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा, फरमाते हैं पहली शर्त मेरे साथ खून का बजल दो। खून दे सकते हो? आओ हिम्मत पैदा करो। इस्लाम कुर्बानी मांगता है, इल्मी
फाइनेंशियली, जान की, सबकी कुर्बानी मांगता है इस्लाम। वो प्लानिंग करो, सोते रहे, जो होता रहे दुनिया में चुप करके बैठे रहे तो कैसे इमाम आएंगे, कहां इमाम आएंगे? ये इमाम काबा अगर मक्का में रहे तो इमाम आएंगे इमाम काबा में? अज़ीज़ाने मोहतरम, समझें खुदा के बरनामे को, रहमान के स्ट्रेटजीज को और शैतान की प्लानिंग को। उसने कसम खाई है कि वो अगवा करेगा। वो उसकी पूरी ताकत यही है कि वो मखलूक को खुदा से दुश्मनी पे लेकर आए। और कैसे दुश्मनी करेगा? जब वो रसूल का दुश्मन होगा, जब वो इमाम का दुश्मन होगा, तो वो खुदा का दुश्मन होगा। वहीं लेकर आ गए, पूरी दुनिया को वहीं लेकर आ गए। मगर हमारा तो कोई हाल नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा, फिर हम वैसे हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद। फिर वही, इनसे पढ़ाओ, उनसे पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, सुनना तो हमने। अभी भी वक्त बच गया है, बच गया है। जाने मोहतरम, खुद आपको, हर शख्स, हम लोगों को सफेद काला रंग फर्क पता है, कड़वाहट मीठे में फर्क पता है, सब पता है। मोजा लेने जाएं, खींच के देखते हैं, खराब तो नहीं होगा, रंग कच्चा तो नहीं हो जाएगा। इतने हम लोग इतनी सस्ती चीज पे सोचते हैं। दीन जो दिल चाहे, जो दिल चाहे शेर पढ़ दे, जो नुशहरी है नुशहरी को बताता, वे क्यों पढ़वा रहे उससे ऐसा शेर, रोको इसको। कौन रोकेगा? क्योंकि सबको अपनी मजलिसों की पड़ी है, किसी को अपने इसकी पड़ी है, बुलाएगा कोई नहीं, पढ़वाएगा कोई नहीं, दुश्मन हो जाएंगे। हो दुश्मन भाई, जो 72 को मांगते हैं उन्हें लश्करों से कोई डर नहीं लगता। यह तो पहले दिन सोचना था कि हुसैन की तरफ हूं या यजीद की तरफ। जाने मोहतरम, फैसला करें। इमाम हुसैन कुर्बानी मांगते, खून मांगते, तोहमत लगेगी, इल्जाम लगेंगे, प्रोपोगंडे होंगे, हो। जिस मौलाए कायनात को 100 साल 70,000 मेंबरों से बुरा भला कहा गया, किसी शिया ने नहीं लिखा, अहले सुन्नत मोतजली इब्नुल हदीद ने नहजो बलागा की शर्म में लिखा है। जिस इमाम को 100 साल, तो उसके मानने वाले को अगर 10 साल भी कोई लान भेजता रहे तो क्या है? तैयार हो, या अपना स्टेटस देख लो, या अपना नाम देख लो। ये किस लिए स्टेटस मिलता है आपको? एक आलिम को किस चीज का स्टेटस मिलता है, किसका प्रोटोकॉल मिलता है? क्योंकि जाकिर हुसैन है, तो इसी रास्ते पर अपनी जिंदगी भी तो गुजारो। मसलहतें, ये पार्टी नाराज ना हो जाए, वो अंजुमन नाराज ना हो जाए, ये ट्रस्ट नाराज ना हो जाए, भाई इनकी तुम जोड़ते रहोगे ये तो तुम्हें दीन से बाहर कर देंगे। अपने इमाम को राजी रखो, चाहे अकेले ही क्यों ना हो जाओ। वो हदीसें सुनते हैं, अमल नहीं है। अलीउन माल हक व हक्कुन माल अली, ये हजरत अम्मार को कही गई हदीस थी कि जब हजरत अम्मार ने पूछा रसूल खुदा, या रसूल अल्लाह, आपके बाद फितने देख रहा हूं, मुश्किलात हैं, क्या करूं, कहां जाऊं? बाबसीरत थे, ऐसे में मौला कायनात आ रहे थे। रसूल खुदा फरमाते हैं, अम्मार, पूरी दुनिया के लोग एक तरफ और अली एक वादी में, अली की तरफ है। किधर ये? उस शख्स जो वक्त हाजिर के इमाम के सिपाहियों को खुले आम बुरा कहे मिंबर रसूल से, आप उसको बर्दाश्त कैसे करते?
सवाल तो आपके ऊपर है, उसके ऊपर थोड़ी है। आप कैसे बर्दाश्त करते हैं कि किसी भी मजलिस से हुसैनी पे आज के मर्जे को बुरा भला बोला जाता है? दीन को किसने बचाया है आज? आप तो अपनी गलियां सही नहीं कर सकते। आप में अगर हिम्मत होती तो आप कराची को सही करवा लेते। आप खड़े होंगे सैयदा सैनम सलामुल्लाह अलैहा के हरम को बचाएंगे, आप इमाम हुसैन के हरम को बचाएंगे, आप बाहर निकालेंगे उस सुपर पावर को जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जो घुटने टेक के इराक से बाहर जा रहा है। जहनी तवाजुन खराब हो गया है फौजियों का, कह रहे हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक इमाम के सिपाही ने कहा था कि आओगे कदमों पे, जाओगे कफन के अंदर। लोग कन्वेंशनें कर रहे हैं मर्जियत के खिलाफ। कौन कहां से पैसा ले रहे हैं? ये इन्हीं से पैसा लेते हैं। ये भी धोखा ना खाएं अज़ीज़ाने मोहतरम, बेदार हो, दीन को पढ़े, फिर देखें कि दीनदार बैठा है सामने या नहीं। दीन आसान नहीं है, दीन कुर्बानी मांगता है। पूरी दुनिया आज किसके दुश्मन हुई हुई है, किसके मुकाबले में आई हुई है? किसी के पास बेस मजबूत नहीं है सिवाय विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम के अलावा। इसी इन्हीं का फर्जंद है ना, इन्हीं का फर्जंद है ना गैबत के पर्दे में। तो क्या तवक्को आप रखेंगे कि वो फर्जंद कहां आएगा, किसके पास आएगा, कौन उसको पहचानेगा? पहचानेंगे कैसे? उस वक्त जब इमाम ने काबा छोड़ा लोग नहीं पहचाने। आज इमाम आकर आपको कोई भी काम बोले छोड़ दो, नहीं मौला हम तो बहुत मोमिन हैं, हम तो बहुत आज़ादार हैं, हमारे तो बाबा दादा ऐसी आज़ादारी करते थे। इमाम कहें छोड़ो, छोड़ेंगे? छोड़ पाएंगे? आज अगर महाराजे किसी काम को मना करते हैं, ये तो इनको क्या पता, इन्हें आज़ादारी का क्या पता। आपको पता है किताबें किसकी पढ़ते हो, किसने मसाइब मुंतकिल किए, किसने नमाज का तरीका बताया? ये जो निकाह पढ़ते हो कहाँ से आ रहे हैं सीधे? मर जाओ तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? देखिए मुझे तो आदत है तीर लेने की, क्यों? क्योंकि करबला सिखाती यही है, अपने सीने पे तीर लो इमाम तक ना पहुंचे। अज़ान मोहतरम समझे विलायत, समझ में आया इमाम महवर क्यों है? महवर इमाम होगा तो कामयाबी है। और करबला यही दर्स देती है अज़ान मोहतरम। बहरहाल थोड़ा आपका वक्त ले लिया। लोग बोलते हैं मौलाना आप तो बड़े आराम आराम से गुफ्तगू करते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है? तो मसला ये है कि दीन का मसला है, अगर मेरा कोई अपना मसला होता तो मैं बात ही नहीं करता। दीन का मसला है मेरा कोई ना, मुझे किसी से जाती कोई दुश्मनी होता ना खास्ता, और ना ही मुझे किसी से है। वैसे भी मैं दुश्मनी लंबी लंबी पालता हूँ, छोटी मोटी से मेरा गुजारा भी नहीं होता। तो वो तो अज़ीज़ाने मोहतरम आपको करना पड़ेगा, आपको इस्लाह करें। जवान कन्फ्यूज है, इसे पता ही नहीं है, क्यों गोलमोल बातें करके लोग चले जाते हैं, भाई समझ में नहीं आता सही क्या है, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। फितने शुबहात व्हाट्सएप इग्नोर करें, सबको सबको इग्नोर करें, फोकस करें सिर्फ इमाम ज़माना पर। बस मैं इमाम के लिए क्या कर रहा हूँ, ये सब फितने जो होते हैं सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ आपके ध्यान को हटाने के लिए हैं।
कि आज़ादारी में अपने इमाम तक ना पहुंचे। इसीलिए आपको लगता है किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, छोड़ दें सबको, सिर्फ अपने इमाम पर निगाह करके बस पहुंचे इमाम तक। इमाम मुंतजर है, जैसे हम इंतजार कर रहे हैं इमाम भी इंतजार कर रहे हैं, और इमाम हमारा इंतजार कर रहे हैं कि ये कब मेरे पास आएंगे, ये कब अज़ा खानों से उठकर मक्तल की तरफ सफर करेंगे। इमाम ने हिजरत की थी ना, इमाम ने मदीना से हिजरत की मक्तल की तरफ, इमाम ने करबला को सजाया है। करबला, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, करबला हादसा नहीं है, इत्तफाकन नहीं हुआ कि इमाम करबला आए और रुक गए, नहीं, इमाम ने करबला डिज़ाइन की, स्ट्रेटजिकल पूरी प्लानिंग, एक एक और एक एक फर्द को जो लेकर गए वो इम्पोर्टेंट था। 6 महीने का बच्चा या अपना भाई, या बूढ़ा अभी भी मज़ा है, या अपनी बहनें या अपनी बच्ची, सब स्ट्रेटजिकली डिज़ाइन था। क्यों? क्योंकि खुदा की तरफ मामले को बढ़ाना है। ये इतना बड़ा मारका था कि जिसकी गूंज आज तक मोमिन को नरम कर देती है और दुश्मनों को थपेड़े मार रही है आज तक। आज तक अगर किसी मकतब से घबराहट है पूरी दुनिया को तो ये उसे नियत है। समझे ये हुसैनियत कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे अबा अजदाद मेहनत कर करके यहां तक हमें दे के गए, अब हम क्या करें, ऐसी दे दें किसी को। अल्लामा तारिक जौहरी आला मकामा हूं, जब मजलिस बड़ा करते थे या शाम गरीबा जब आती थी तो अहले सुन्नत दोस्त हमारे आज भी कहते हैं बचपन से इंतजार करते थे इस मजलिस का। आज कितने उलमा ऐसे हैं कि जिसका अहले सुन्नत इंतजार करता है, क्यों नहीं समझ में आए, हुआ क्या है कुछ सालों के अंदर हमारे साथ, किसने किया है, क्यों कर रहा है? क्योंकि ये हक हकानियत का दीन है, इससे दूर करो, दूर, खुद बेदार हो जाने वाले, खुदा के लिए रोजे कयामत बीबी के आगे हाजिर होना है। सिर्फ मेरे से सवाल नहीं होगा कि आपने पढ़ा क्या, आपसे भी सवाल होगा तुमने सुना क्या था, तुम ही सुन रहे थे, तुम ही बुलाते थे। खत्म करें नामों के चक्करों में, ब्रांडिंग के चक्करों में, स्टाइलों के चक्करों में। दीन देखें, दीन कहां से मिलेगा, मैं कोई मयार नहीं हूं जाने, मैं बार बार कहता हूं, मैं भी अगर इमाम की तरफ बढ़ रहा हूं तो मयार हूं, वरना मैं भी बाहर फेंक दे, मुझे कोई हैसियत नहीं है अगर इमाम की तरफ हम नहीं जा रहे। असल अदब यही है, इमाम की तरफ बढ़े, दीन को ना करें ऐसा मजाक ना बोले। बड़ी कुर्बानियां दी है बेहतर, हमने तो उंगली भी नहीं कटवाई, वहां जले हुए दरवाजे गिरे हैं। किस लिए गिरे हैं आप बताए ना, क्यों था, मसला क्या था, क्या मसला था, विलायत थी ना मसला, और क्या मसला था। जाके एक एक दरवाजा खटखटाया मदीना का, क्यों? अव्वल से आखिर कयामत तक की सबसे अफजल खातून है, आखिरी नबी की बेटी है, नहीं जाती, बैठी रहती, महदनुर रसाला है घर, मुख्तलिफुल मलाइका, मलाइका की आमदो रफ्त है, क्यों गई? दीन, विलायत, विलायत मदारी, अभी भी वही विलायत और उसी विलायत से दुश्मनी,
आपके और मेरे अमल को सुस्त करने के लिए कि ये कौन स्लो हो जाए। जिस जगह यही दर्स यही मजलिस सही दी गई वहां क्या हाल है आपके सामने, वो कौम कहां खड़ी हुई है, चाहे वो जितने भी हो, वो कौमें आज दुनिया में कहां खड़ी हुई है आज, जिन्होंने जहां पर 13 साल के बच्चे से यही लिया गया कि 13 साल का बच्चा भी अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी दे सकता है, वो 13 साल का बच्चा हुसैन फहमीदे जिसने खुर्रम शहर को फतह किया, फतह करने में कामयाब हुआ, वो 13 साल का बच्चा है। उसने दुश्मन जब पीछे देखा कि कोई हमारी आर्मी नहीं आ रही है, देर हो रही है, असला भी नहीं है और दुश्मन की टैंक जो है वो आए जा रहे हैं और ये पुल क्रॉस कर जाएंगे तो हम तो हार जाएंगे, मसला हो जाएगा, क्या किया, सारे ग्रेनेड यहीं बांधे, टैंक के नीचे चला गया, उड़ा दिया, वो पहला टैंक उड़ा, दुश्मन समझा फौज आ गई, सब वापस चले गए, खुर्रम शहर आजाद हो गया। इमाम खुमैनी ने फरमाया खुदा ने खुर्रम शहर को आज़ाद किया है। इस 13 साल के बच्चे में क्या फीलिंग्स थी, कहाँ से इसने दर्स लिया था कि मौत शहद से ज़्यादा मीठी है, मजलिस से लिया ना, हम ले पा रहे हैं दर्स मजलिस से, ये बहरहाल मैं आपसे माफ़ी की, अगर मेरी वो बात आपके लिए ज़्यादा नहीं, मेरा कदम किसी से भी मुझे सुन भी रहा हो उससे भी किसी से नहीं है, दर्द दिल है दीन का, अपना भी नहीं है, अपना तो इंसान वैसे भी क्या ख्याल रखेगा, खोया हुआ है दुनिया में, दुनिया में हर इंसान की दुनिया अलग है, मेरी अलग है आपकी अलग है, मैं अपनी दुनिया में आप अपनी दुनिया में, लेकिन वो इमाम हम सब का इंतज़ार कर रहा है, अपने आप को सही करें, अपने घरों को सही करें, अपनी ज़िंदगी को सही करें। रजब अली खयात जो बहुत बड़े आरिफ थे, शख्स आया, बड़ा बिल्डर था, घर बनाता था, बिल्डिंगें बनाता था, बहुत सारे घर बनाए, वो बिक ही नहीं रहे, परेशान हो गया, जो है वो बैंक करप्सी की तरफ जाने लगा, किसी ने कहा कि शेख के पास जाओ, शेख के पास आया, कहा कि तुम्हारे मसले का हल तुम्हारी बहन के पास है, कहा तुमने उसका हक नहीं दिया, तो याद आया हाँ जो बाप की विरासत थी उसमें से पता नहीं कितने हज़ार तुमान थे खाली, वो बहन का हक था मैंने नहीं दिया, तो कहा मैं ज़्यादा जाके दिया, ज़्यादा दे गया, वापस आया, कहा नहीं तुम्हारी बहन के पास घर है, कहा नहीं वो किराए पर रहती है, तो कहा इतने जो घर बनाए उनमें से एक बहन को दो, कहा ये तो मुश्किल हो जाएगा, कहा तो मसला मैंने बता दिया, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, कहा दिया तो तीसरे दिन घर बिकना शुरू हो गया, सुई फंसी भी कहाँ है जिंदगी की पता ही नहीं है, नहीं पता। इनकलाब से पहले दो जवान था, उसको फांसी की सजा हो गई, पकड़ा गया फांसी की सजा हो गई, शेख के पास आए कि शेख कुछ कीजिए, कहा इसका हल इसकी माँ के पास है, माँ के पास गया, कहा दुआ करो, कहा ऐसे नहीं, वो जो दिल दुखा हुआ है उसे माफ़ करके दुआ करो, कहा माँ का दिल, कहा हाँ, कहा पूछो माँ से, कहा हाँ इसकी शादी की है, तो एक दिन खाने के बाद बर्तन इसने बहू को दिए कि जाओ बेटा बर्तन धो देना, तो इस बेटे ने बहू से बर्तन ले लिए और मुझे दिए, कहा मैं अपनी बीवी लाया हूँ, आपकी कनीज थोड़ी लाया हूँ, वो जो दिल दुखा फांसी पे चढ़ रहा था, कहा माफ़ कर दे बेटे को, माफ़ किया, दूसरे दिन बोला नहीं गलत पकड़ लिया था, किसी को छोड़ दो, हमें नहीं पता, हमें तो बताने वाला कोई है ही नहीं हमारी सुइयां कहाँ फंसी हुई, क्योंकि हम अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं है, तवज्जो नहीं है, जाने मतलब एक दूसरे के साथ हमारा इखलाक कैसा है, उठना बैठना कैसा है, हम किसी को सही इखलाक से पेश आते हैं नहीं पेश आते, यही मुश्किलात हैं, यही फंसा हुआ है, इसको कैसे बाहर निकाले, अगर ये सफीनतुल निजात ना हो हम नहीं निकल सकते, हम देखिए
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इमाम फरमाते हैं कि मोमिन हमारा जो मानने वाला है वो है कि जो हर रोज़ अपना मुहासबा करे। मुहासबा यानी क्या? यानी अपने आप को चेक करे, हिसाब। हिसाब होता है ना कि भाई आज कंपनी ने अपना हिसाब चेक किया, कहाँ पैसे खर्च हुए, कहाँ दिए, कितना एक्सपेंस हुआ। मुहासबा सादे से लफ्ज़ों में समझा, यानी अपना हिसाब करे। क्या किया? नमाज अव्वल वक्त पढ़ी, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का माल तो नहीं खाया, निगाह हराम तो नहीं उठी, कान ने हराम तो नहीं सुना। कितना आसान है, होता नहीं है मगर, लेकिन ये करना है। इमाम फरमाते हैं लैसा मिन्ना, हमारे में से है ही नहीं जो अपना रोज मुहासबा ना करे। हमारा है ही नहीं, वो मुहासबा करें अपना, दिन कैसे गुजर रहा है, खलवत तन्हाई कैसे गुजर रही है, मुहासबा करें। और फिर इमाम फरमाते हैं कि एक और गौर हदीस के अंदर, अगर तुम ये देखो तुमने नेक काम किया तो खुश मत होना। क्यों? क्योंकि खुदा ने तौफीक दी है, उसका शुक्र करो कि उसने तुम्हें नेक काम की तौफीक दी। और अगर गलती हुई या गुनाह खुदा ना खास्ता हुआ तो अस्तग़फ़ार करो कि कल मैं ये गुनाह नहीं कराऊंगा। कौन बताएगा जज़ाते मुअत्तल? बेसिक्स है दीन के, ये सादी सादी सी चीज़ें हैं, अलिफ बे है दीन की। ये तो एक मोमिन की लैसा मिन शिया तो ना, बिन आप हदीसें निकाल लें, वो हमारा शिया नहीं, वो हमारा शिया नहीं। आगे क्या क्या है? वो हमारा शिया नहीं, छठे इमाम ने अपने आखिरी वक्त में अपने घर वालों को जमा करके बोला है। ये जो आज लोग हमें बोलते हैं मौलाना बड़ी नमाज की बातें करते हैं, भाई इमाम ने की है, हम अपने घर से थोड़ी नमाज हमारी थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप नमाज पढ़ के मुझे सजदे करो खुदा ना खास्ता, मैं तो ये कहता हूँ नमाज अल्लाह की पढ़नी है, आपके अपने फायदा, मेरा क्या फायदा हो रहा है इसमें। छठे इमाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में सबको जमा किया और इमाम ने फरमाया कि वो हमारे में से नहीं जो नमाज को हल्का समझे। ये नहीं कहा कि ना पढ़े, जो ना पढ़े वो तो तारीख सलात है, हल्का समझे। हल्का मतलब क्यों? नमाज के बजाय किसी और चीज को अहमियत दे, नमाज पढ़ता हो लेकिन अहमियत ना देता, वो हमारे में से नहीं है। एक और हदीस, अब थोड़ी सी और टेंशन और इंक्रीज करूँ मैं आपकी, एक और हदीस इमाम का, लैसा मिन शिया तो ना, वो हमारा शिया ही नहीं है। कौन? जो तहज्जुद की नमाज को तर्क कर दे। आप बोलेंगे मौलाना नॉर्मल नहीं बढ़ी जाती, तहज्जुद पढ़ा रहे हैं, इमाम तक कैसे पहुंचेंगे? पहुंचना है इमाम तक, शौक पूरे हैं, काम नहीं होता मौलाना। जैसे बच्चे को बोले ना ये भी खरीद लूँ मैं, वो भी खरीद लूँ, बेटा मेहनत करो, बाप की कमाई पे कब तक लोगे? शौक पूरे हैं, मेहनत करनी पड़ती है, खुदा मांगता है मेरे आगे रगड़ो नाकों को, खड़े हो मेरे आगे, नींद आ रही हो, कुनूत की हालत में हो, दुआएं पढ़ रहे हो, तुम्हारी थोड़ी टकरा रही हो नींद की वजह से, तो खुदा मलाइका को कहता है मलाइका गवाह रहना, मैंने अपने बंदे की सारी हाजतों को पूरा कर दिया है ना। नहीं, इस इबादत के लिए जहमत तो करनी पड़ेगी जाने मोहतर। खुदा हमसे क्या चाहता है? खुदा यही चाहता है ये मेरे बंदे हैं, गुलाम बने खुदा के, आबिद बने, इबादत करे, लेकिन बाबसीरत। ये नहीं कि सिर्फ मैं नमाज़ें पढ़ा हूँ, तस्बीहें पढ़ रहा हूँ, आजकल तो वो टिक टिक और पता नहीं क्या क्या आ गई है, बस पढ़ रहा हूँ। अंदर भी तब्दीली आए, हक और बातिन को पहचाने भी सही। अरे नहीं, हम तो सब सुनते हैं, हम तो मौला का जिक्र सुनते हैं, जो भी बोल दे हमें इससे क्या, क्या मतलब हमें इससे क्या? इसका मतलब है तुम करबला को समझे ही नहीं। हम तो मौला की मजलिस में गए थे, हम तो मौला की मजलिस में गए थे, मौला की मजलिस में
मौला की तरफ गए या न्याज खाने गए थे? अच्छा, न्याज तो वैसे मैंडेटरी है, आज भी है इंशाल्लाह आपके लिए, आज किसी और की तरफ से, क्योंकि किसी और को भी वो कि ये तो अच्छा सिस्टम है दे देना चाहिए। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, न्याज खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना पहले। अब सब बोले कि मौलाना आप पढ़ें फिर हमारी मजलिस, हमारी मजलिस आप पढ़ें, तो मैं यहाँ ये गुजारिश कह दूँ कि सारी मजलिसें एक साल पहले से होती हैं। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, मेरे दो तीन मैनेजरों ने तो कहा मैं एक महीने फ़ोन बंद कर रहे हैं लोग, हमसे उज़्र खाई भी करना, क्योंकि आप इखलाक से पेश आना है आपने ज़ाहिर है। तो इज़्ज़ाने मोहतरम, यहाँ मैं हाथ छोड़ता हूँ, बहुत लोग चाहते हैं, हमारा भी दिल है कि हम भी हर जगह मजलिस पढ़ें, लेकिन वक्त हम महदूद हैं, हम ज़यीफ़ हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। ये अरबाब का करम है जो बढ़वा रहे हैं, ये उनका लुत्फ, और वैसे भी हम महदूद, उस लामहदूद का जिक्र कैसे करें, जितने लफ्ज़ हैं वो टूटे फूटे ही हैं सारे। और बहरहाल वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ गया, और इसी इमाम की महवरियत पर, जो सबसे अजीम शख्सियत है, कि अगर आप देखना चाहते हैं कि इमाम के गिर्द कैसे घूमा जाता है, तो वो अब्बास है। यानी वो शख्सियत कि जिसके लिए खुद इमाम फरमा रहे हों, कौन इमाम आपको पता है, मासूम है, अब्द साले है, इंसान कामिल है, लेकिन कितने आइमा ने हज़रत अब्बास की तारीफ़ की है, क्या कहा है कि हमारे चचा अब्बास ने हक अदा किया कुर्बानी का और अपने इमाम पर, मौला पर कुर्बानी, ये इमाम फरमा रहे हैं। और रोज़े कयामत के जहाँ सब दर्जे सबसे अफजल हैं, सबसे बड़ा दर्जा शहदाए करबला का है, असहाब इमाम हुसैन का, के उस मकामात हैं, बहुत मकामात हैं, वो जो मकाम है जहाँ पर असहाब इमाम हुसैन होंगे, वो मकाम होगा कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नूर की तजल्लियों को देख रहे होंगे, और एक लम्हा भी उससे अपनी निगाहों को नहीं हटाएंगे, हत्ता जन्नत की बाकी नेमतें हसरत करेंगी कि काश ये हमें देख ले, मगर ये नहीं देखेंगे। सबसे बड़ा दर्जा इन सब में जो सबसे अफजल दर्जा है वो हजरत अब्बास का है, और ये मासूम की हदीस है कि रोजे कयामत में जब शहदा हजरत अब्बास का दर्जा देखेंगे तो खबते खाएंगे कि क्या मकाम है। यार ये क्या मकाम है। खूब आप ज्यारत, हजरत अब्बास की ज्यारत, मासूम ने तालीम दी है ज्यारत कि मैं गवाही देता हूं किस चीज की, इनके लिए क्या है कि बिन तस्लीम, पहली सिफत तस्लीम, दूसरी सिफत तस्दीक, तीसरी वफा, चौथी नसीहा, चार चीज़ों की गवाही देते हैं जब हम ज़ियारत करते हैं। तस्लीम क्या, यानी जो अम्र है उस पर मुसल्लम हो जाओ। आज हमारे लिए वाज़े है ना करबला क्या थी, हक क्या था, उस ज़माने में बड़े बड़े लोग इमाम को साथ नहीं दे पाए, इमाम के आगे आए, इमाम को बोलना कि मौला ऐसा नहीं करे, मौला ऐसा कर ले, मगर हजरत अब्बास तस्लीम। अब्बास मदीना छोड़ना है, छोड़ दिया, मक्का छोड़ना है, छोड़ दिया, तस्लीम, तस्दीक, यानी क्या, यकीन, यानी सिद्क, यही हक का इमाम है, यही हक है। दुनिया ने उस टाइम क्या किया, झूठी चीज़ें, झूठे बांधना, फितने, फसाद, लेकिन यहाँ, यहाँ पर सदाकत, यही है बस। ये सिफातें हैं इज़्ज़ाने मोहतरम, इसी को अपने वजूद में पैदा करें, हम पैदा करें ताकि हम अपने इमाम के गिर्द भी ऐसे ही घूमें। यही दुआ मांगे गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम से कि जो आप को अता हुआ अतात मौला हमें
हमें भी अदा करे अपने वक्त के इमाम। ये है ना फिर अलम उठाना, ये है फिर उस अलम से मन्नत मानना कि हमें भी अपने इमाम की नौकरी दे। वफा, वफा यानी वो पैमाना पुर करने वाला, ऐसा इश्क विलायत इमाम हुसैन ने पैमाना पुर किया जो खाली नहीं हुआ, ऐसा खुद प्यासा रह गया पानी हाथ में उठा के भी, लेकिन वो है वफा से। नसीहत के माने नसीहत के नहीं है यहाँ पर कि नसीहत के नहीं, नसीहत के माने खैर ख्वाही के हैं, यानी जितना काम मांगा गया था ना उससे भी ज्यादा करना। ये किया हज़रत अब्बास ने, कोई सानी नहीं है अब्बास का। तभी ये मकामात, क्योंकि बहरहाल हम तो टूटे फूटे से लोग हैं, हमें इतना पता नहीं है, जो अहले माना और अहले दिल हैं वो जानते हैं। आयतुल्ला काजी तबा तबाही रिज़वानुल्लाह ताला अलैह बताते हैं कि मैं कितने 40 साल रियाजत करता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ, और कहा मैं गाजी अब्बास के हरम में मैंने तवसुल किया और नमाज पढ़ी तो मेरे आगे सारे वादियाँ खुल गए। अब्बास ने मुझे उस मकाम पर पहुँचा दिया। वो फरमाते हैं, यानी वो ही फरमा सकता है जो कुछ देखा हो, वो फरमाते हैं कि इससे पहले कि तुम सैयदुश्शोहदा की ज्यारत करो करबला में, पहले अब्बास से इजाजत लो, यहां से इजाजत लोगे तो फिर। क्यों? कहा कि उस इश्क की वादी में जाने का दरवाजा गाजी अब्बास है, नहीं जा सकते इमाम हुसैन तक हजरत। ये यानी क्या किया, क्या ऐसा किया कि आज तक दुनिया में कहीं भी अलम लगा हो फौरन अब्बास याद आता है। ये आसान है काम, पहचान हो गई। आप जाते ना इंटीरियर में कहीं जाए, अलम लगाओ गोदाम मोमिन का घर है। यानी अब्बास ने अपने अलम के जरिए से हमारी शनाख्त करवा ली है। हम नहीं, हम तो समझ नहीं पाए अब्बास को है क्या असल में। अज़ाने मोहतरम ये है वो, यानी सिर्फ इमाम बस और उसके गिर्द ये अब्बास घूम रहा है। अव्वल से मौलाए कायनात ने दुआएं और बाकायदा अपने भाई को कहा कि मुझे ऐसे घराने में शादी कराओ कि जिससे ऐसा फर्जंद पैदा हो तो शुजा हुसैन के लिए, हुसैन के लिए। ज़ुहैर इब्ने कैन रोज़े आशूरा में जब बाकी लोग लड़ रहे थे ना तो हज़रत अब्बास फौज को दूर करते थे, तो ज़ुहैर इब्ने कैन ने कहा अब्बास आपसे एक बात कहनी है। कहा इस वक्त नहीं है बात। कहा नहीं, आपके बाबा की बात याद आई, जब बाबा का नाम सुना तो रुक गए। कहा बताओ। कहा आपको पता है आपके बाबा ने आपको मांगा क्यों था? कहा आज वही दिन है अब्बास। हजरत अब्बास ने कहा कि तुम मुझे जोश दिलाते हो, ऐसी अंगड़ाई ली कि घोड़े की लगामें टूट गई और एक वार ऐसा किया कि दुश्मन की गर्दन होती हुई आई। मगर अब्बास क्या करे, जंग की इजाजत नहीं है। आपने मसाइब सुने जाने मतलब। अब ये वो दिन है कि अब्बास की बहनों पे बड़े सख्त है ये। ये वो अय्याम है ना गुजर रहे हैं, ये बड़े सख्त हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले इन बहनों ने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। तसव्वुर नहीं था हाथों में रस्सियां बंधने की,
बाजार, मतलब तसव्वुर ही नहीं था कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो उन्हें गली कूचा और बाजार फिराया जाए। मगर क्या हुआ, और सलाम हो उस छोटी बच्ची पर कि जो जब भी नेजे पे सर देखती होगी तो ये कहती होगी शायद मैंने, काश मैंने चचा को पानी लेने ना भेजा होता। हाँ ज्यादा रण मोहतरम, बड़ा गिरिया किया आपने, खुदा आपके गिरिये को कबूल करे। सुनेंगे उलमा बयान करते हैं कि जब गाजी अब्बास के मसाइल पड़े जाए ना तो वक्त का इमाम तशरीफ लाते हैं। वो हमारे अंदर तो तासीर नहीं मौला, लेकिन आपके चचा अब्बास का मामला है, आ जाइए, शायद कोई चीज कबूल हो जाए, शायद कुछ कबूल हो जाए। ये बाबुल हवाइज है, ये हाजतों का दरवाजा है। कालिब दीन कहते हैं कि मैं जैसे ही करबला पहुंचा, रात हो चुकी थी, देर हो गई, मैं गाजी अब्बास के हरम गया, दरवाजा बंद था। उसने, खुद्दाम ने कहा दरवाजा बंद है, रात हो गई, दरवाजा कहा, मैं सो गया, सोया मैंने ख्वाब में देखा कि सईद शहदा का हरम है, रसूल खुदा तशरीफ फरमाते हैं। ऐसे में एक नौरानी जवान आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह, गाजी अब्बास ने एक बच्चे जवान के लिए सिफारिश भेजी है कि खुदा की बारगाह में इसकी सेहत तलब कीजिए। रसूल खुदा ने कहा कि नहीं, इसका वक्त पूरा हो गया। वो जवान वापस चला गया, फिर वापस आया, कहा दोबारा हजरत अब्बास ने ये आपसे दरख्वास्त की है कि आप उसके हक में दुआ करें, उसको शिफा मिले। इन्होंने फरमाया कि नहीं, इसका वक्त पूरा हो गया। तीसरी दफ़ा वो आलिम दीन कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि गाजी अब्बास को तशरीफ ले आए। किस आलम में आए, बाजू कटे हुए, आंखों में तीर है, और कहा या रसूलल्लाह, खुदा ने मेरा नाम, मेरी जो कुनियत है, ये बाबुल हवाइज क्यों है? उसकी मां हमसे मुत्तसिल हुई, या ये नाम ले लीजिए बाबुल हवाइज। क्या उसको शुक्र, यहां रसूल खुदा ने कहा मौलाए कायनात से कि आप हाथों को उठाइए, मैं दुआ कहूंगा, आमीन कहें। ये आलम-ए-दीन कहता है मेरी आंख खुल गई, मैं हरम भागा, मैंने हरम में खादिम से बोला अंदर कोई है, कहा नहीं, कहा कोई है, कहा हाँ, नजफ का जो सबसे बड़ा कबीला है ना, उसके सरदार की बीवी है, उसका एक ही बच्चा है जो बीमार है, उसकी माँ गाजी अब्बास से मुत्तसिल लगा। कहा दरवाज़ा खोलो, कहा मैं अंदर गया, मैंने कहा बीवी अब्बास ने जवाब दे दिया, गाजी अब्बास मौला खताकार है, गुनाहगार है, बीमार है, बीमार होंगे, बीमार हैं, शिफा दीजिए, बे औलाद हैं, तो खुदा की बारगाह से औलाद दिला दीजिए। हाँ मांगेंगे एक दुआ, बाबुल हवाइज है ना, हुसैन तक पहुंचने का दरवाजा है, तो मांगिए दिल से दुआ, गाजी अब्बास हमसे बर्दाश्त नहीं होता, बैनुल हरमैन खाली हो, अरबईन में अरबईन की ज्यारत करवा दे। बाबुल हवाइज, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ज्यारत चाहिए खाली, बड़ा कुछ दिया अब्बास ने। हाँ आजादारण मोहतरम, बस आपने गिरिया किया, बस इससे ज्यादा शायद पड़ा भी ना जाए। रोजे आशूरा आई, अब्बास का वो वक्त आ गया, अब्बास आए, मौला इजाजत दे, जबकि कहा नहीं, कहा अब्बास तुम अलमदार हो, तुम लश्कर के सरदार हो, शायद इमाम हजरत अब्बास ने मुड़ के देखा हो और ये कहा हो कि मौला लश्कर कहां जिसका मैं सरदार,
इजाजत नहीं है, इजाजत। मगर वो बच्ची आई, इसीलिए अलम पे मशकीजा है ना, सकीना की याद दिलाता है। बच्ची ने कहा चचा भाई प्यासा है, बच्चे प्यासे, उम्मीद से कहा बाबा से इजाजत ले तो बस बाबा से इजाजत मिल जाएगी। उलमा अरबाब बयान करते रहेंगे, बाबा से इजाजत मांगी। हाले दिल है इमाम हुसैन ने बच्ची से कहा होगा बेटा अपने भाई के लिए भेज रही हो, मेरा भाई गया वापस नहीं आया। यही हुआ, गए पानी लेने, बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, पानी लेने गए। अब्बास है ना, अब्बास की गली बोल ना सका, पानी में पहुंचे शरीफ। बस आपकी भी हिम्मत तवान, हम रो ही नहीं सकते, हमारे में ताकत ही कहाँ है। वो तो सैयद शद्दाद थे जो रोते रहे, वो सैयद साजिदीन रोते रहे, वो रो रहे, हमसे नहीं रोया जाता। पानी को हाथ में उठाया, पानी को हाथ में उठाया, 20 साल पुरानी नसीहत याद आ गई, वसीयत। 21 रमजान की रात जब अब्बास को इमाम अली ने बुलाया, अब्बास सबको इमाम हसन के हवाले किया था ना, अब्बास को हुसैन के हवाले नहीं, हुसैन को अब्बास को दिया था। क्या कहा था? कहा बेटा एक वक्त आएगा पानी पे पहुंच जाओगे, मगर याद रखना हुसैन प्यासा होगा। बस जैसे ही पानी को देखा, पानी को पानी पे मार दिया, निश्चीजा भरा वापस खेमों की तरफ। अब अब्बास की उम्मीद क्या है? ये निश्चीजा है, अब्बास खेमों की तरफ जा रहे हैं। दुश्मन ने कहा कि कोई ताकत अब्बास को रोक नहीं पाती। दायां बाजू शहीद, बायां बाजू शहीद, मगर फिर भी अब्बास उसी रफ्तार से खेमों की तरफ जा रहे हैं। मुकातिल कहते हैं अब्बास अपनी सवारी से उठ उठ कर देखते थे खेमे कितनी दूर है। और अब्बास ये हम नहीं समझ सकते, ये अब्बास जानता है, बावफा है, वफा निभाना चाहता है। दुश्मन ने देखा कौन सी ताकत है जो अब्बास को ले मिला रही है। कहा ये मिस्कीजा तीर खींचा लगा मिस्कीजे पर, नहीं अब्बास की उम्मीदें बह गई, पानी बह गया, घोड़ा भी बावफा का रुख मोड़ दिया, तीर आया आंख में पैवस्त हुआ। बस बस मैं कुछ कहूंगा नहीं कि जब आंख में कुछ आए तो कैसे हटाए। इसी आलम में गुर्ज लगा, अब्बास जमीन पर आए, न जाने आते हुए अपने आप को कैसे रोका। हाँ मगर अपने मौला को आवाज दी, अब मौला का आना देखे। मेरा चौथा इमाम फरमाता है मैंने देखा बाबा ने अपनी कमर को पकड़ा, कहा इन कसर अज़हरी, मेरी कमर टूट गई। हाँ अब इमाम हुसैन हजरत अब्बास के बदन पे कैसे आए, किसी के बदन पर नहीं आए। क्यों? क्योंकि जब जाते थे तो खेमों की हिफाजत अब्बास करता था, अब एक निगाह खेमों पर, एक निगाह बदन अब्बास पर। पहुंच गए, बिठाया, बस बस दो जुमले, सर को जानू पे रखा, खून साफ किया, आपस में गुफ्तगू हुई। मौला ने दरख्वास्त की मेरे अरबाब मेरे बदन को खेमों में लेकर मत जाइएगा। पढ़ने वालों ने तावीलें की, क्यों? अब्बास ने कहा होगा, कहा कि बावफा है ना, बगैर पानी के बदन भी नहीं जाना चाहता। नहीं, अल्लामा फरमाते हैं ये बात नहीं थी, अब्बास जानते थे मेरा मौला 3 दिन का भूखा प्यासा सुबह से लाशों को उठा कर ला रहा है, मैं अपने बदन को नहीं कहूंगा। अलम उठाया अब्बास का खेमों की तरफ, बच्चों ने उम्मीद देखी, चचा रहे हैं, मगर क्या देखा? कहा बाबा अब्बास चचा, कहा वो खेमों।
سلام مہیا ملک لے بنیان کرے تو پروردگار تجھے باسی عباس خواص تھا امام زمانہ کے سبوں میں تانچی بتا رہا ہے ہمیں بھی باسی عباس جیسی عطاعت اپنے وقت کے امام کے لیے نصیب ہے ہمیں بھی اپنی جان مال اولاد کو وقت کے امام پر قربان کرنے کی توفیق عطا کر دے جہاں جہاں ماتم جلوس عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی حفاظت فرما علماء اکرام مراجع اکرام جو بھی شخص ان مجلسوں میں اپنی خدمت دے رہا ہے پولیس والے رینجر والے سیکیورٹی والے اسکاؤٹ والے ساؤنڈ والے لائٹیں ویڈیو بنانے والے ہر شخص جو بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے پروردگار بار بار سے اپنی اجر کثیر عطا فرما اسلام دشمنوں نے اس پر نابود فرما مسلمانوں میں آپس میں اتحاد محبت کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا اور یہ جو عناصر پاکستان میں فرقہ واریت پھیلا رہے ان کو نیست و نابود فرما پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے حسین اللہم ارزقنا زیارت حسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ صلوات محمد